मित्रों, प्रेम वो खूबसूरत एहसास होता है जिसमें दो इंसान एक दूसरे की खुशी का ध्यान बिना किसी स्वार्थ के रखते हैं। एक ऐसा रिश्ता जहां किसी कारणवश मिलन ना भी हो पाए तो भी उनके सच्चे प्रेम की वजह से उनके विरह को पूरी दुनिया याद करती है। और आपको साफ कर दें कि यहां हम प्रेमी और प्रेमिका के संदर्भ में बात कर रहे हैं। ज्यादातर रिश्ते सिर्फ और सिर्फ जरूरत के आधार पर ही बनते हैं, खासकर प्रेमी प्रेमिका का रिश्ता जिसमें मन की जगह देह को प्राथमिकता दी जाने लगी है। लेकिन ऐसे प्रेम संबंध जितनी तेजी से परवान चढ़ते हैं उतनी ही गति से वो खत्म भी हो जाते हैं। तो क्या वजह है कि शारीरिक रिश्ते ज्यादा लंबे वक्त तक नहीं टिक पाते? ऐसे रिश्तों में बाद में कड़वाहट क्यों आ जाती है? इन्हीं सवालों के जवाब लेकर हाजिर है हम आज की इस वीडियो में। नमस्कार और स्वागत है आप सभी का द डिवाइन टेल्स पर एक बार फिर। मित्रों, जब कोई इंसान किसी दूसरे के प्रति केवल उसकी बाहरी खूबसूरती यानी कि सूरत को देखकर उसकी तरफ आकर्षित होता है तो ऐसे रिश्ते की नींव ही वासना पर टिकी होती है। जो चीज बाहर से देखने में जितनी अच्छी और खूबसूरत लग रही हो जरूरी नहीं कि वो चीज उतनी ही अच्छी भी हो। जब अपनी शरीर की जरूरतों को पूरा करने के लिए उसे प्यार का नाम दिया जाता है तो ऐसे रिश्तों में वास्तविक प्रेम नहीं होता। इसीलिए शारीरिक जरूरतें पूरी होने के बाद ऐसे रिश्तों में खटास आने लगती है क्योंकि प्रेम को शरीर तक केंद्रित कर दिया जाता है, जबकि प्रेम इससे कहीं ज्यादा व्यापक होता है, आधुनिक समाज दिखावे का है। अब चूंकि बाहरी खूबसूरती बाहर से दिख जाती है इसीलिए हमें खिंचाव ज्यादा होता है, जबकि असली प्रेम तो मन से मन का और आत्मा का आत्मा से होता है, जिस तरह भगवान कृष्ण और राधा का प्रेम था। मित्रों, राधा कृष्ण का मिलन नहीं हुआ फिर भी उनके प्रेम की मिसाल दी जाती है क्योंकि उन दोनों में अटूट आध्यात्मिक प्रेम था। मित्रों, प्रेम करना और शरीर की जरूरत को पूरा करने में एक बड़ा अंतर होता है। लोग इसके भीतर छिपे हुए अंतर को समझ नहीं पाते इसीलिए प्रेम को सीमित कर देते हैं, परंतु आपको ये अंतर महसूस करने का अनुभव होना चाहिए। यदि कोई प्यार करने की प्रक्रिया से जुड़ा है तो उसकी सभी भावनाएं और मनोभाव खास अनुभव के साथ जुड़े होंगे। एक रात या फिर कुछ मुलाकातों से शरीर की जरूरत तो पूरी की जा सकती है लेकिन वास्तविक प्रेम का आनंद कभी नहीं मिल सकता। संभोग आपको क्षणिक सुख और संतुष्टि तो प्रदान कर सकता है लेकिन जीवन के हर मोड़ पर साथ देने वाले रिश्ते के लिए भावनात्मक लगाव बहुत ज्यादा जरूरी है। और मित्रों, हमारे धर्म में भी वासना से अधिक आध्यात्मिक प्यार को महत्ता दी गई है। हमारे धर्म में प्रेम को दो आत्माओं का मिलन माना जाता है। शास्त्र कहते हैं कि दो शरीर, दो मन, दो हृदय, दो प्राण व दो आत्माओं का समन्वय ही असली प्रेम कहलाता है, जैसे शिव और पार्वती का प्रेम था। असली प्रेम वही होता है जो मन की खूबसूरती को देखे, क्योंकि तन की खूबसूरती तो उम्र ढलने के साथ कम हो जाती है लेकिन मन का सौंदर्य स्थायी होता है। ऐसा प्यार इंसान को भावनात्मक मजबूती देता है और उसे जिंदगी जीना सिखाता है। मित्रों, आपने भी देखा होगा कि जो भी प्रेमी जोड़े तन के साथ साथ मन से भी एक दूसरे के साथ जुड़े होते हैं उनका प्रेम आज भी लंबे समय तक टिकता है, जबकि स्वार्थवश जुड़े रिश्ते कुछ ही दिनों के मोहताज होते हैं। गरुड़ पुराण में ऐसे संबंधों को पाप की श्रेणी में रखा गया है और ये भी लिखा गया है कि जो लोग भी ऐसे संबंध बनाते हैं उनको नरक में कड़ी सजा मिलती है। तो मित्रों, इसीलिए सिर्फ देह की जरूरत को पूरा करने वाले रिश्ते जीवन रूपी इस यात्रा में एक लंबी दूरी तय नहीं कर पाते। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर करने के साथ साथ नीचे अपनी राय कमेंट करके जरूर बताएं। ऐसी सभी आध्यात्मिक और धार्मिक वीडियोस देखते रहने के लिए अभी सब्सक्राइब कर लें द डिवाइन टेल्स यूट्यूब चैनल को। और फेसबुक पर देखने वाले सभी दर्शक लाइक करें हमारा फेसबुक पेज। और सभी तरह की धार्मिक वस्तुएं खरीदने के लिए आप जा सकते हैं shop.thedivinetales.com पर। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। तो मित्रों, फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। अब इजाजत दें, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।